हाय बच्चों, मैं सीमा शैलजानन आप सभी बच्चों का साई बेसिक्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, ये चूँकि फर्स्ट वीडियो है NCERT बायोलॉजी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 11th या क्लास 12th में, उनके लिए तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ इस चैनल के बारे में। ये चैनल तो वैसे डेडिकेटेड था BSc और MSc वाले स्टूडेंट्स के लिए जो UG PG से जूलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे थे, लेकिन आज से मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। कुछ बच्चों का डिमांड भी था कि मैम आप 11th 12th भी NCERT डील करिए अपने चैनल पे, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो ये टॉपिक जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये एक डिमांडिंग टॉपिक है, तो अभी तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जैसा आपका फीडबैक रहेगा या फिर रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगी कि पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का NCERT आपको अच्छे से डील कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ लाइन बाई लाइन, बहुत ही इलेबोरेट फॉर्म में बट बिल्कुल सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट वे में, ठीक है, ताकि आपको समझने में, कॉन्सेप्ट को याद रखने में कुछ कोड्स ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बताती रहूँगी। रिवीजन पर्पज़ के लिए शॉर्ट्स भी मैं डालती रहूँगी ताकि आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप डिटेल वीडियो सुनिएगा, ठीक है। और मैंने साई बेसिक्स NCERT बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन कर दिया है। मैं जो भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी वो मैं सारा कॉन्टेंट वहाँ शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और साई बेसिक्स NCERT बायोलॉजी के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी ओपन है, आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कॉन्टेंट शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है के हैं उनको तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, जब क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। देख रहे हैं इमोजी के फॉर्म में, कुछ फ्लो चार्ट्स, कुछ माइंड मैप के थ्रू, जो टॉपिक जैसा होगा उस हिसाब से हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये आपका क्लास 11th का चैप्टर 13 है, जिसमें इस वीडियो में मैं 13.4.1 जो पैराग्राफ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसे मैं डील करने वाली हूँ। ये हो गया आपका NCERT का एक पैराग्राफ, लेकिन इस एक पैराग्राफ में बच्चे कहते तो हैं कि मैम मैंने NCERT पढ़ लिया फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। इस एक पैराग्राफ में मैं अभी आपको शो करूँगी कि कितने सारे चीज़ छुपे होते हैं, और उन सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना होता है। तो ये जब मैं वीडियो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जब मैं वीडियो एक्सप्लेन करूँगी, कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिएगा, उसके बाद आप NCERT पलटिएगा और ये पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैंने जो कॉन्सेप्ट गेन किया है उससे मेरा NCERT पर पकड़ बन रही है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर से क्या आप समझते हैं? तो जैसे मैं एक छोटा सा एनालॉजी आपको बताती हूँ, आपके घर में फ़ैन है, फ़ैन को आप ऑफ़ भी करते हैं, ऑन भी करते हैं, जब गर्मी लगती है तो आप ऑन कर देते हैं, जब बरसात के मौसम में आपको ठंड लगने लगती है तो आप ऑफ कर देते हैं। तो प्लांट रेगुलेटर्स भी उसी तरह काम करता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। कौन से हार्मोन आपको प्रमोट करते हैं, कौन से हार्मोन आपको इनहिबिट करते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को शॉर्ट फॉर्म में PGR भी लिखा जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक आपको इस पैरा में 13.4.1 में पढ़ना है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। ये एक स्मॉल छोटा और सिंपल मॉलिक्यूल होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हार्मोन का अलग अलग होता है। तो जैसे आपके NCERT में दिया हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड से डेरिवेटिव है किसका? ऑक्सिन्स का। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। एडेनिन डेरिवेटिव है किसका? N6 फर फ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? N6FFAP एंड काइनेटिन। उसके बाद कैरेटोनॉइड्स डेरिवेटिव्स, ये किसका डेरिवेटिव है? एब्साइजिक एसिड का। उसके बाद टर्पिन्स डेरिवेटिव, ये किसका आपका डेरिवेटिव है? जिब्रेलिक एसिड जो गैसेस के, और गैसेस इथिलीन इसका डेरिवेटिव है। अब आपको जब नीट का एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन से आपको क्वेश्चन आता है, तो आप याद कैसे रख सकते हैं? तो कुछ ना कुछ तो आप ट्रिक लगाइएगा याद रखने के लिए। तो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड कुछ कनेक्टिविटी के साथ जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो आप इंड तक बने रहिए, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं कितना एक्सप्लेन आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ताकि आपका वीडियो सुनते सुनते ही कॉन्सेप्ट भी गेन हो जाए और आपको याद भी रह जाए। तो IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपका ये एंड हो रहा है किस पे? ए पे। और ऑक्सिन का ये डेरिवेटिव है, और ए आपको स्टार्टिंग वर्ड लेटर है किसका? ऑक्सिन का। तो ए
यहाँ से आपको इंड हो रहा है और ए यहाँ से आपका ऑक्सिन स्टार्ट हो रहा है, तो ए ए से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव, ये क्या है, एन सिक्स परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन, तो एन सिक्स एफ एफ ए पी एंड काइनेटिन का, तो इसमें आप याद रख सकते हैं जैसे कि इसमें डी ई एडेनिन, डी ई के बाद क्या आता है एफ, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि हाँ एडेनिन में डी ई आता है और डी ई के बाद एफ आता है, और एफ हमने क्या देखा था एफ एफ ए पी, एफ एफ ए पी फॉर परफ्यूराइल एमिनो प्यूरिन, तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ डी होगा, यहाँ एस लिखा गया है, तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म होता है ए बी ए, ए बी के बाद क्या पाया जाता है सी, ए बी सी आप याद रख सकते हैं कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव के लिए। और उसके बाद जब ये सारा कुछ याद हो जाए तो ये टर्पिन्स डेरिवेटिव में आपका आता है क्या, जिब्रेलिक एसिड और इथिलीन, तो जब तीन आपको याद रखेगा तो चौथा खुद से ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पी जी आर आर डिस्क्राइब्ड एज प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन, और इसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम किस नाम से जानते हैं, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो दो तरह, दो कैटेगरी में इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। कौन कौन सा, पहला है आपका ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, जो प्रमोट करता है किसे, प्लांट ग्रोथ को। दूसरा क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, जो कब रिस्पॉन्स करता है, जब प्लांट में कोई उंड हो जाए, कोई घाव हो जाए, कोई बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस हो जाए, तो क्या तब भी प्लांट को ग्रोथ करना चाहिए या फिर उस पार्ट को ग्रोथ करना चाहिए, नहीं, वहाँ पर कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन वर्क कर रहे होते हैं जो उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जरूरत आपको समझ में आ गया, एक तो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करने में, जिसे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के नाम से जानेंगे पी जी पी, और दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम जानेंगे क्या पी जी आई। तो पी जी पी क्या में प्लांट ग्रोथ में कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड जर्मिनेशन, ये सब क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग। और जब प्लांट में उंड हो जाए, कोई कट लग जाता है या फिर बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस हो जाए, जैसे बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, ड्राउट कंडीशन आ जाए, वहाँ पर ये क्या काउज करते हैं, तो वहाँ पर ये डॉर्मेंसी और एब्सिजन काउज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन से हार्मोन काम करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर काम करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स को हम किस नाम से जानते हैं, पी जी पी के नाम से जानते हैं, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को किस नाम से जानते हैं, पी जी आई के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या ये पी जी पी क्या है और ये पी जी आई क्या है। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पी जी आर था, उसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पी जी पी और पी जी आई। पी जी पी में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, आपके आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन, और पी जी आई में कौन आता है, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। बट इथिलीन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स, इथिलीन को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कैटेगरी में भी रखा जा सकता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है। बट इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज, मीन्स मेजोरिटी बेसिस पे इसे ग्रोथ इनहिबिटर कैटेगरी में रखा गया है, बट ऐसा नहीं है कब जरूरत पड़ने पर यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। अब कोड हम कैसे याद रखेंगे, तो जब बच्चों आप कनेक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं ना, तो एक स्टोरी मैं क्रिएट करती हूँ ताकि आप ज़्यादा समय के लिए याद रख सकते हैं। सपोज़ करिए आप जिस क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसमें एक फ्रेंड है आपकी अक्षिता, जिमी और सी से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, शाइस्ता या फिर कुछ भी जो आपको सुविधा हो, ए जी सी ये आपको बेस्ट फ्रेंड कैटेगरी में है, ठीक है। और क्लास का मॉनिटर कौन है, अब्बास, ये पूरे क्लास को क्या करता है, शांत करवाता है, इनहिबिट करवाता है। तो इस इनहिबिटर की भी तो ज़रूरत प्लांट को है ना, जब आप क्लास में बहुत शोर मचाते हैं तो उसको शांत करना ज़रूरी है। उसी तरह जब प्लांट में कोई उंड लग जाए, कोई कट लग जाए या फिर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए, तो उस ग्रोथ को इनहिबिट भी तो करना पड़ता है। अब एक प्लांट का हाइट अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, रेगुलेट नहीं किया जाए, तो वो तो बस लंबा होता ही चला जाएगा, फिर पूरा ये जो यूनिवर्स है एक जंगल के फॉर्म में हमें नज़र आएंगे, तो उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से ये दोनों इंपॉर्टेंस रखता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स भी। तो यहाँ पर आप कोड अक्षिता, जिमी और सी से कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं, सुष्मिता साउंड करता है, ए जी सी आपका हो गया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और
अब बास ए बी ए एब्सेसिक एसिड आपका क्या हो गया, क्लास मोनिटर है, वो इनहिबिटर का काम करता है। और इथिलीन, इशिता आपकी जो फ्रेंड है वो कंडीशन डिपेंडेंट है, वो जनरली तो वो इनहिबिट करती है, जनरली वो प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है इथिलीन, बट कभी कभी वो आपके फ्रेंड के फॉर्म में भी आपका साथ दे देती है। तो इस तरह से आपको 5 हार्मोन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे तो और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको यही 5 हार्मोन पढ़ना है। कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और पीजीआई मींस प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सेसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन जो है, इशिता जो है, वो कंडीशन बेस्ड एक्शन होता है उसका, कभी वो आपका फ्रेंड भी बन जाती है, कभी वो पूरे क्लास को इनहिबिट मींस मॉनिटराइज भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोड भी मैंने बता दिया। तो बच्चों, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है तो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो थोड़ा मुझे भी लगेगा कि नहीं, ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है, और रियली में अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और 11th 12th के बाद जब आप UGPG में एडमिशन लेते हैं, भगवान करे आपका नीट निकल जाए तो आप नीट में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन अगर BSc MSc कर रहे होंगे तो ये चैनल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस तरह से आप 11th 12th UGPG और UPSC कैटेगरी जो जूलॉजी में इसका प्रिपरेशन करेंगे वहाँ तक मैं इस चैनल पे डील करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब जब आप ये NCERT का ये पैराग्राफ आप पढ़िएगा, आप अपने से पढ़िए और बताइएगा कि इस पैराग्राफ को पढ़ने में, समझने में आपको कोई दिक्कत आई क्या। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 95-98% कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से एक ही बार सुनिएगा ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर दोबारा ज़रूरत पड़े तो एक बार और सुन लीजिएगा। और मैं इसके बाद शॉर्ट्स के फॉर्म में, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इस दोनों का शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको थोड़ा रिवीजन पर्पज़ से एक शॉर्ट बना दूँगी, ताकि आप रिवीजन पर्पज़ के लिए वो शॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये कॉन्टेंट, ये एक्सप्लेनेशन, ये फ्लो चार्ट्स, ये बुलेट पॉइंट्स पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।